नमस्कार, देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के मुख्य समाचारों में हम बात करेंगे संसद में पेश हुए अंतरिम बजट की। बजट को लेकर विपक्ष के हाथों बुरी फंसी मोदी सरकार की। हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री, भाजपा के बयान की। बीड़ी कारीगरों से राहुल गांधी ने की मुलाकात की। बात करेंगे राजनीतिक षड्यंत्र रच नेताओं को गिरफ्तार करवा रही भाजपा सरकार। और बुलेटिन के अंत में हम जानेंगे क्या राजस्थान की भजनलाल सरकार भी धर्म की राजनीति पर विशेष फोकस कर रही है। इसके साथ ही और कई महत्वपूर्ण खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। देश में 3 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति दीदी। 1 करोड़ परिवारों को हर महीने दी जाएगी 300 यूनिट फ्री बिजली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 में किया ऐलान। 58 मिनट के भाषण में विकसित भारत 2047 और बुनियादी ढांचे पर रहा फोकस। हिजाब पहना तो नहीं मिलेगी स्कूल में एंट्री, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर का बड़ा बयान। बोले अगर किसी स्टूडेंट्स को इससे आपत्ति है तो वह दूसरे स्कूल में जा सकता है। साथ ही कहा कि ज्ञान व्यापी तो झाकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। काम चलाओ बजट, किसी के लिए कुछ नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर कसा तंज। कहा इस बजट में गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कुछ भी नहीं था, सिर्फ काम चलाने के लिए यह बजट है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बोली कि दांव में सच्चाई होती तो फ्री राशन के लिए मोहताज नहीं होते 80 करोड़ लोग। ईडी सीबीआई और आईटी अब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब यह बीजेपी के विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर बोले राहुल गांधी। कहा खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। महिला, युवा, गरीब और किसान, विकसित भारत के 4 स्तंभ, सभी को मिलेगी मजबूती। 2024 के बजट पर बोले पीएम मोदी। कहा बजट सराहनीय। राहुल की न्यायिक यात्रा का 21वां दिन, मुर्शिदाबाद में बीड़ी कारीगरों से मिले कांग्रेस नेता। एक दिन पहले मालदा में कहा था कि सत्ता में आए तो देश में जाति जनगणना करवाएंगे। जाली कागज और फर्जी शिकायत के आधार पर मुझे किया जा रहा गिरफ्तार। ईडी की हिरासत में जाने से पहले बोले हेमंत सोरेन। कहा पहले बिहार और अब झारखंड को बनाना चाहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार। यूपी के 5 जिलों में बारिश के बाद 42 जिलों में जारी किया गया अलर्ट। नोएडा में हुई तेज बारिश तो सहारनपुर में ओलावृष्टि, वहीं बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका। पूजा की इजाजत देने वाले फैसले पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। शीर्ष अदालत ने ज्ञान व्यापी मस्जिद समिति को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। दुश्मन का बनेगा काल, भारत को मिलेगी हवाई ढाल। प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री के लिए अमेरिका कांग्रेस ने दी मंजूरी। इन ड्रोन्स को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना को दिया जाएगा। देश में तेजी से बढ़ रही बेरोजगारी, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बोले कि हमारे देश में 2 भारत, इसमें एक ऐसा जो चीन से ज्यादा तेजी से चल रहा है, जबकि दूसरा भारत ऐसा है जहां 80 करोड़ लोगों को खाने के पैकेट देने पड़ रहे हैं। हमें स्किल एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर पर ध्यान देना होगा। ईडी ने चेन्नई में इंडिया सीमेंट के परिसरों पर मारा छापा। पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन है कंपनी के चीफ। दरअसल इंडिया सीमेंट्स देश की बड़ी सीमेंट कंपनियों में से एक है। राजस्व के लिहाज से यह 9वीं सबसे बड़ी सूचीबद्ध सीमेंट कंपनी है। ज्ञान व्यापी में व्यास जी के तहखाने में पूजा के अधिकार पर भड़के एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। कहा यह फैसला गलत, यह खुले तौर पर वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। जिसने टाइगर के नाम से बनाई पहचान, वो अब बनेगा झारखंड का नया सीएम। केवल मैट्रिक पास, फिर भी कल्पना को छोड़कर राजी हुए विधायक। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन हुई बारिश, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बढ़ा रही हैं ठिठुरन। वहीं हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में अगले 4 दिन तक बर्फबारी का अलर्ट। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे 1 फरवरी को संसद में पेश हुए मोदी सरकार 2.0 के अंतिम बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा यह बजट पेश किया गया जो कई मायनों में खास माना जा रहा है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को देश का अंतरिम बजट 2024 पेश किया। 58 मिनट के इस बजट में महिलाओं और युवाओं पर फोकस दिखाया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में सबसे पहले मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार गरीबों को सशक्त करने में विश्वास करती है। हमारे लिए महिला, गरीब, युवा और किसान जैसी 4 जातियां हैं और उन पर ही फोकस है। इसके अलावा सीतारमण ने अपने भाषण में जो मुख्य ऐलान किए उनमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत में शामिल करना, 40,000
ट्रेन के डिब्बों को वंदे भारत से जोड़ना, 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ, बड़े शहरों में नमो मेट्रो का विस्तार, 1 करोड़ महिला लखपति दीदी बनी है, अब 3 करोड़ का लक्ष्य, आवास योजना के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ नए घर, गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली, डेयरी किसानों को बढ़ावा, 10 साल में महिलाओं को 30 करोड़ का मुद्रा ऋण, 149 नए एयरपोर्ट शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश इस बजट की पीएम मोदी ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये बजट गरीबों और मिडिल क्लास के सशक्तिकरण और उनके रोजगार के लिए नए अवसर पैदा करने पर जोर देता है। आज का ये बजट समावेशी और नवाचार का बजट है। इस बजट में निरंतरता का आत्मविश्वास है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को सशक्त करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं वित्त मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वित्त मंत्री द्वारा पेश इस बजट ने भले ही सत्ता पक्ष की वाहवाही लूटी हो, लेकिन बजट पेश होने के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया ने मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में दिग्गजों ने क्या दी है प्रतिक्रिया, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी बजट अगर विकास के लिए नहीं है और कोई भी विकास अगर जनता के लिए नहीं है तो वो व्यर्थ है। भाजपा सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करके एक शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है जो फिर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि अब सकारात्मक सरकार आने का समय हो गया है। ये भाजपा का विदाई बजट है। वहीं एमपी कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने कहा कि अंतरिम बजट के बहाने मोदी सरकार ने जनता को चुनावी लॉलीपॉप थमा दी है। यह बजट केवल सरकार के चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। इसमें महंगाई और बेरोजगारी की ज्वलंत समस्याओं से निपटने का कोई खाका पेश नहीं किया गया है। इस क्रम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट भाषण रिकॉर्ड किए गए आज तक के सबसे छोटे बजट भाषणों में से एक था। इसमें से बहुत कुछ सामने नहीं आया। उन्होंने विदेशी निवेश के बारे में बात की बिना यह स्वीकार किए कि निवेश में काफी कमी आई है। उन्होंने कई चीजों के बारे में बात की जो स्पष्ट भाषा में है, जैसे आत्मविश्वास और उम्मीद इत्यादि, लेकिन जब ठोस आंकड़ों की बात आती है तो बहुत कम आंकड़े उपलब्ध होते हैं। यह पूरी तरह से सामान्यताओं में छिपा होने और पर्याप्त सामग्री के बिना और अर्थव्यवस्था की विशिष्ट समस्याओं को संबोधित करने की इच्छा के मामले में एक बहुत ही निराशाजनक भाषण होगा। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह मोदी सरकार का अंतिम बजट है। जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी और चुनी हुई सरकार को गिरा रहे हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे। इसके अलावा इस बजट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज नई संसद में पुराने ढर्रों पर पेश अंतरिम बजट केवल चुनावी ढकोसला है। यह देश के किसानों, गरीब युवा, आदिवासी महिलाओं के साथ धोखा है। भारतीय किसान यूनियन इस बजट को सिरे से नकारती है। एक तरफ मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट को विपक्ष नकारने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में पूर्व सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हिजाब पहनकर स्कूल में आने वालों को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब से राजस्थान में बीजेपी की भजन लाल सरकार बनी है, तब से कांग्रेस की योजनाओं पर एक्शन जारी है। ओएसपी चिरंजीवी जैसी योजनाओं को बंद करने के बाद भजन लाल सरकार ने अब शिक्षा क्षेत्र में भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इस बीच प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर ने शिक्षा क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं, साथ ही कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीते दिन स्कूलों के ड्रेस कोड पर अपना बयान देते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों में जो ड्रेस है उसे ही पहनकर आना होगा। हम हिजाब विरोधी नहीं है, मुझे हिजाब से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हमारे देश में कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की ड्रेस पहन सकता है, लेकिन स्कूलों में तय स्कूल ड्रेस में ही स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इससे आपत्ति है तो वह किसी दूसरी स्कूल में जा सकता है जहां स्कूल ड्रेस में छूट दी जाती हो। ऐसे में कोई स्टूडेंट्स अगर स्कूल ड्रेस में नहीं मिलता है तो स्टूडेंट्स के साथ टीचर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने NCERT के सिलेबस पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्कूली किताबों में पूर्वजों के बारे में भ्रामक जानकारियां दे रही हैं और महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे अंश हटाने चाहिए। दिलावर ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अकबर महान है तो वो क्यों महान है, वो तो मीना बाजार लगाकर माँ बहनों को उठाकर ले जाता था, बलात्कारी था, वो महान कैसे हो सकता है। इसके अलावा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ज्ञान व्यापी पर हुए फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह तो पहली झांकी है, अभी मथुरा और काशी बाकी है। सरकार कभी भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करती है, लेकिन जिन सबूतों के आधार पर न्यायालय निर्णय देता है उसे तो सबको मानना ही पड़ेगा। मेरी मान्यता है कि जो अवशेष निकल रही है वह भी श्री कृष्ण की जन्मभूमि।
भूमि है। ऐसे में इस साल 22 जनवरी को भगवान राम का भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, तब मैंने संकल्प लिया था कि जब तक श्री कृष्ण भगवान की जन्म स्थल पर भव्य मंदिर निर्माण के बाद भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती है, तब तक मैं एक समय ही भोजन करूंगा और माला भी नहीं पहनूंगा। क्या आपको भी लगता है कि राजस्थान में भी धर्म की राजनीति का प्रभाव बढ़ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक कीजिए और देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों की तुरंत अपडेट पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। ट्विटर फेसबुक पर हमें फॉलो करें, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है।